हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी बाहर गई थी और बाहर का टेम्परेचर बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म। मतलब अगर इंसान थोड़ी देर कहीं खड़ा हो जाए ना तो वो रोस्ट हो जाएगा, पूरी तरह से तंदूर बन जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं घर आई तो मुझे लगा कि कुछ ठंडा पीना चाहिए, मैं कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, कुछ अलग सा पीते हैं ताकि हमारे शरीर को ठंडा भी पहुँचाए, मन को शांति भी मिले और टेस्ट में अच्छा भी हो। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं चने का सत्तू का शरबत। ठीक है, ओके। सबसे पहले लेंगे एक बर्तन, उसमें लेंगे हम ठंडा पानी, जितना आपको बनाना है उतना आप पानी ले लें। इसमें जैसे मुझे चाहिए 2 ग्लास, ठीक है। उसके बाद ये है चने का सत्तू जो कि घर का बना हुआ है, ये मैंने गांव से मंगाया है बनवा के, चने का सत्तू है ये। इसमें मैंने डाल दिया इसको और इसको मिलाते रहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और इसको मिलाते रहिए ताकि लम्स ना पड़े, ठीक है। ये है जौ का सत्तू जो कि ये भी गांव से ही मंगाया मैंने, ये पूरी तरह से इसमें फाइबर पूरा है क्योंकि छन्नी से छाना नहीं गया है, पूरा जैसे जौ होता है जौ पीस के ही पूरा ही है। तो ये जौ का सत्तू ये भी मैंने गांव से ही मंगाया था और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसको भी मिलाते रहेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम नमक, आप काला नमक डाल सकते हैं, सादा नमक डाल सकते हैं, जैसा टेस्ट हो। फिर डालेंगे हम जीरा पाउडर, उसके बाद डालेंगे हम इसमें ये हरी मिर्च, क्योंकि बिना हरी मिर्च के तो ये फिर ठीक नहीं लगने वाला है, थोड़ा सा तीखापन जरूरी है, ठीक है। उसके बाद डालेंगे हम इसमें ये पुदीना, जिसको हम थोड़ा सा बारीक बारीक चॉप करके और इसको डालेंगे, क्योंकि पुदीने का टेस्ट आना इसमें ज़रूरी होता है। आप चाहे तो इसकी चटनी बना के भी डाल सकते हैं पुदीने की, थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्ट आएगा, ठीक है। ये हम सब इसको मिला के इसको सबको हम मिला देंगे। फिर इसमें डालेंगे हम नींबू, आप नींबू अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं एक नींबू इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। और जो कि आपको बताया गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो जिसके लिए हमें बाहर हम निकलते हैं लू लगने का डर होता है, धूप बहुत लगती है, तबीयत खराब हो सकती है, पेट में बहुत गर्मी लगती है, तो उसके लिए हमें ये प्याज डालना है। प्याज आप अपने हिसाब से डालिएगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा प्याज डाली हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बन के हो गया बढ़िया सा। हाँ, एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे हम, जलजीरा पाउडर, उससे थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है। देसी स्टाइल है सारा। देखिए ये हो गया बढ़िया से सत्तू बनके तैयार।
अब हम इसको निकालेंगे ग्लास में और हम इसको पियेंगे। तो ये देखिए, तो ये सब तो बन के हो गया है तैयार। तो मैंने सत्तू बना लिया, सत्तू की शरबत बना ली। अब मैं इसे पीने जा रही हूँ। आप सब भी ऐसे गर्मियों में इसको बना के पी सकते हैं। ये लड़की नहीं पीती है, इसको कोशिश बहुत करती हूँ कि पी ले, ठीक है। तो आप सब भी इसको बना के पी सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है।